काशीरामपुर तल्ला में क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सड़कों पर आवारा और बेसहारा घूम रहे गौवंश के लिए बनाई गई गौशाला का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार की सड़कों पर आवारा और बेसहारा घूम रहे गौवंश को शीघ्र ही गौशाला में रखा जाए। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने कहा कि काशीरामपुर तल्ला में नगर निगम कोटद्वार की ओर से बनाई गई गौशाला का संचालन राजस्थान में गौशाला चलाने वाली संस्था को सौंपा गया है। गौशाला में लगभग 250 गौवंशों के रखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि गौशाला में गाय की सेवा के साथ ही बीमार गायों का उपचार भी किया जाएगा। इस दौरान यहाँ मुक्तिधाम काली माता मंदिर के नज़दीक बनाई गई गौशाला में गौ सेवा कर रहे गोपाल अग्रवाल को सम्मानित भी किया गया। कोटद्वार से राजेंद्र खंडवाल की रिपोर्ट। सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी नगर निगम की छोटी सी गौशाला को लेने का और यहाँ पर गौ सेवा का मौका हमें भी दिया ताकि हम भी इस गौशाला में पहुँच सकें। मुझे बहुत आज आनंद आया, बहुत अच्छा लगी, काफ़ी खुशी और प्रसन्नता हुई कि हमारी जो गाय है रखती है, कुछ बीमार होती हैं, कुछ का एक्सीडेंट होता है, उनके लिए हमें एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पर उनकी सेवा होगी, जहाँ उनकी देखभाल होगी और पूरे शहर में आज एक अच्छा वातावरण है, खुशी का माहौल भी है। कल हमने दशहरा भी मनाया और इस मौके पर गौशाला हमारे गौद्वार में खुल रही है। मैं सभी जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ, खासकर पंचकूला का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी गौद्वार की जनता से निवेदन भी करना चाहूँगी कि आप इस गौशाला से जुड़िए अपने जन्मदिन पर। कोई भी आप खुशी या कुछ